बॉयज एंड गर्ल्स, मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था लेकिन मुझे लगता है हमारे घर पे अटैक हो गया है। ओए क्या हाल है? मैं की वीडियो? हाँ, मीटिंग नहीं नहीं कौन सी मीटिंग? मीटिंग तो आपके साथ ही है। तो आज बता दो कि फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, मंजिल कहाँ की है? अभी तो फिलहाल इंशाल्लाह इस्तांबुल। पाकिस्तान जा रहे कि नहीं, असल सवाल तो ये है। क्वेश्चन मार्क। जाने की सेलिब्रेशन में पिज्जे मंगवाए कुछ, वो पिज्जे आते तो आपको जरा चेक कराते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा नौजवान हमारी बिल्ली से डर रहा है। ये कुछ नहीं कहेगी, आज तुम्हारी प्रैक्टिस कराते हैं। इस बेचारे पे ना बचपन में बिल्ली का ट्रॉमा अटैक हो गया था गलती से ना, तो अब वो उसका बिल्ली का फॉरएवर फियर रह गया। होता है वैसे। इधर देखो ना, मुझ पर जो इंसानों ने अटैक किया वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस तरह बचो यार, मुझे अपनी थोड़ी सी स्टोरी तो बताओ, इसका क्या तरीका है? कुछ लोग होते हैं वो अपने गिर्द खुद ही लकड़ियां लगा के ना, मतलब आग लगा के उसमें बैठ गए, हम जल रहे हैं। मैंने उनको जलने दिया बस, अब जल जल के काला कोयला बन गया। यू नो मामू के पास बहुत ज्यादा विजडम है, तो उनसे पूछते हैं नेगेटिव लोगों से दूर रह के अपनी लाइफ में आगे फोकस कैसे करें सक्सेस की तरफ। जस्ट इग्नोर देम। लेकिन कैसे करें अगर खानदान फैमिली वाले उनको कैसे इग्नोर करें? इग्नोर सिंपल, जस्ट How? Let some people cannot do whatever they want to do. मैं नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मैंने avoid नहीं किया। नहीं, लेकिन for example एक मुझे ना everybody want me to give the reaction, yeah. which I didn't. Reaction नहीं देना basically. No, you don't have to do. And I gave them that direction where they can play all their you know cards, which they did. अच्छा। And that was good for me. एक फॉर एग्जाम्पल लेना, लड़के लड़की मैसेज करते हैं, कहते हैं हमारे घर में बड़ा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, उसको कैसे निकालें? घर में उसके पास फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स नहीं है, क्या वो करे बच्चा? असल में हमारा माशरा ऐसा है ना कि हम लोग एक दूसरे के साथ टाइड अप हैं। हम चाह के भी जोन सा है ना, उस चीज से हम लोग कोई भाग नहीं सकता। ऐसा ही है। तो वो एक अनफॉर्चुनेटली आप कहोगे ना कि जी कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि ये मसले हल हो जाए, तो उसका सही तरीका ये भाई और तुम घर छोड़ दो। पार्ट ऑफ आवर कल्चर, यू नो हमारे जो है कल्चर में यू ऑल आर लाइक यू नो डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। शुरू से ही वो जो बच्चा भी पैदा होता है ना, 10 बंदों में तो से उधर से फूफी है, खाला है, चाचा, सब अपनी गुटियां खिला रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर जोन सा है ना वो कहते चढ़े हुए हैं। बाप बैठा हुआ है, वो अपने भाई की बुराइयां कर रहा है। वो छोटा सा बच्चा जिसकी ग्रोथ हो रही है उसके जहन में वो चीजें ना वो खुद डाल रहा है। फूफी की बुराई हो रहा है, फूफी के घर जा रहे हो, फूफी अपने भाई की बुराई कर रही है, भाई के घर जाओ तो वो इट्स अ बिग मेस। नाना के घर जाओ तो दाद के साइड की बुराई है, दाद के घर जाओ तो जोन सा है नान वाले साइड की सारी बुराई है। तो बच्चे का जोन सा दिमाग खराब कर दिया जाता है। लेकिन आई थिंक एक थोड़ा सा लाइक बैलेंस भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो गोरे कल्चर है यहाँ पे आप देखते हो, ये तो बिल्कुल ही इंडिविजुअल हो गया। मैं तो पर्सनली आई लाइक यू नो द गोरा कल्चर। रियली? यस, आई पर्सनली लाइक इट। नहीं लेकिन वो एक जो होता है, दे डोंट हैव प्रॉब्लम बट दे आर आल्सो डिप्रेस्ड बिकॉज़ दे डोंट हैव पीपल टू सी। डिप्रेशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। Why we don't have anxiety, we don't have depression, we have more. हम लोग बस रवि के हम used to होते हैं, they are not used to. नहीं लेकिन यार फिर भी जैसे रमजान वगैरह आते हैं, लोग आपस में मिलते हैं वगैरह, अब जो फैमिली वाले हैं, बड़े जाके पंगड़े डालते हैं ना रमजान में जाके, वो करते हैं। रमजान इज जस्ट इट्स रिलेट टू यू, यू नो, इस पर्सन टू पर्सन। ये खैर रमजान वाले अलग टॉपिक छोड़ जाएगा, वो रमजान के लिए रखते हैं। बड़ा मुश्किल सवाल है आंसर करना। देखो सबका जवाब जो होता है ना डिफरेंट होता है। आप इग्नोर ही कर सकते हो अगले को, ठीक है, और अपनी गेम में अपना हेड डाल के नीचे लगे रहो। इग्नोर करते रहोगे जब खुद बन जाओगे कुछ, खुद ही आगे लोग फिर बाप से बात करते हैं, हाँ भाई सलाम अलैकुम क्या हाल है। मूसा मुझे अक्सर कहता रहता है कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है, और अभी मुझे काफी लोगों के भी मैसेजेस आए हैं, करते हैं कमेंट करते हैं, सही करेंगे। दे वांट टू लिसन माय यू नो स्टोरी व्हिच आई विल शेयर वन डे इंशाल्लाह। उसमें काफी चीजें जो सी है ना अभी तकलीफ थी है, तो तकलीफ ये याद रखना, जो बंदा ह्यूमरस निकलता है आगे कोई लाइफ में निकलता है, वो तकलीफों से गुजरता जरूर है, वो बल्कि ज्यादा तकलीफों से गुजरता है। दैट्स व्हाई ही इज द पर्सन ही इज। अभी तकलीफ तो नहीं हो रही नीचे कहीं? सोफा कंफर्टेबल है ना? मैंने सुंगली में हो रही है, करी मूसा के पास जाना है। अभी के लिए मामू के लिए इतना ही। मैंने देखा मामू के ना दो तीन आंसू निकल रहे हैं बाहर ना फोर। पागल आंसू निकल रहे हैं, मुझे भूख लगी हुई है, पिज्जा का बन है। यार मेरी बिल्ली को आने दो वापस अंदर, यार तुमने कैद करके रख। सब पे पानी मार रहे थे। बेटा आप इतने बड़े हो गए, अपना साइज देखो और बिल्ली का साइज देखो। ये देखो ना तुम्हारा छोटा भाई है, ब्रेव बॉय। बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली पिज्जा आ गया है। अब मामू की एडवाइस हम पिज्जे के साथ लेंगे। अच्छा पिज्जा कैसे बनता है? 01 से ऑर्डर करो, दैट्स द बेस्ट पिज़्ज़ा। वैसे वाकई ये यार डेलस में मिस्टर 01, तुम लोगों ने बॉयज एंड गर्ल्स अगर नहीं ट्राई किया ना तो तुमने किया क्या? ये ना थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, इटालियन स्टाइल ना, ये ऑलिव ऑयल में बनाते हैं, ठीक है, पतला पिज़्ज़ा है, ठीक है। क्रस्ट के अंदर इन्होंने क्या डाला होता है, कौन सी चीज होती है? रिकॉटा चीज होती है। उनका स्टार शेप पिज़्ज़ा मंगवाना है, ठीक है आपने? मुझे इधर वाले लोग जो देखते हैं ना वो भी जाते हैं रेस्टोरेंट की रिकमेंडेशन देके। ओह माय गॉड बॉयज एंड गर्ल्स, टू मच टेस्ट इज कमिंग। तेरे ना ते दुआएं इंशाल्लाह। नहीं नहीं लोगों को को आप दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह ताला। अब मुलाकात होगी आप लोगों से दुबई में। बहुत मामू कह रहे हैं कि ही विल मेक सम व्लॉग्स एंड सम क्लिप्स एंड ही विल सेंड सम टू मी, एंड देन हम मामू की अपडेट लेते रहेंगे। तुम आज बहुत उदास लग रहे हो। बस क्या बताऊं यार,
We'll meet inshallah. Inshallah. Yaar sahi salamat jana. Safe and sound inshallah. Later. Haan bhai boys and girls, humne mamu ko sad alvida kar diya hai. Lekin aapko lag raha tha video hum dukh ke is note pe khatam karenge. Aisa to ho nahi sakta. To scene ye hai ki gaadi jo hai hamari, ye beamer, ye bahut gandi ho rahi hai aur maine kaha tha usko maine dhulwana hai. Hopefully dukaan band na hui ho car wash wali. To wahan pe leke jaate hain saath main apni wife ko laya hu, my cameraman and my trusty. I mean ye free ki service nahi hai. Fiza ne mujhe kaha hai ki tumhe iski mujhe ice cream khilani padegi. Aap ye samajh lo ki ye vlog को कंप्लीट करने के लिए मुझे एक आइसक्रीम पड़ गई. मुझे आइसक्रीम पड़ गई और आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते. तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉयज एंड गर्ल्स. एंड नाउ विल गो टू कार वॉश एंड आई विल सी यू देयर. अब हम कार वॉश में जाने लगे हैं. ये बड़ा कलरफुल सा कार वॉश है. हमारी आगे खुद ही जाएगी. आप लोगों ने मैंने बहुत दफा व्लॉग्स में दिखाया हुआ आपको. हैंड्स ऑफ द स्टीयरिंग. सारे शीशे बंद है. तुम्हारा ना खोल दो. डिस्को लाइट पूरी लगी होती है इधर. नहीं नहीं तुम बैठी रहो, मैं सारा करता हूँ. ठंड हो रही है, ठंड लग जाएगी यार. हमारी स्वीटी को ठंड लग जाएगी, हम ऐसा होने देंगे. बॉयज एंड गर्ल्स पहला काम तो हमने करना है ये ट्रैश उठाना. वो ये खेल कोई जरूरी चीज नहीं. बॉयज एंड गर्ल्स टाइम फॉर वैक्यूम. गुना भी खींच लेता हूँ. Oh my God, कहां से खेंच रहे हो? वो इसकी जब मैंने पहले दिन सर्विस की थी ना, जब एक गंदी होके आई थी, तो तुम्हारी सोच है कितनी गंदी थी. ठीक है यार, मेरा लाइटर चला गया था यार. What the hell? वो फट जाएगा अंदर जाके. चलो मैं कौन सा यूज कर रहा था लाइटर. Really to wash, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत इसको साफ रखा हुआ था. बट द क्लीनर द बेटर. लेकिन इसकी वजह से अब हमें अपनी बीवी को आइसक्रीम खिलानी है. ये मेन्यू चेंज करते रहते हैं अपना. जिलाटो है यार. तिरामिसू केक. हाँ ये मजे का होगा. ओए होए, स्ट्रॉबेरी कौन डालता है चॉकलेट के साथ. बॉयज एंड गर्ल्स आइसक्रीम इज सिक्योर्ड. कैसी आइसक्रीम है, भी अच्छी की नहीं. तो वही तो मैं कह रहा हूँ. थोड़ा सा तेरा मसूच है. स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट जो मिक्स कर लिया ना, वो जाते ही नहीं है साथ भाई. एक ईस्ट है, एक वेस्ट है. तो किसी बेवकूफ ने बनाई है चॉकलेट. अच्छा क्या स्ट्रॉबेरीज हैं? स्ट्रॉबेरीज को चॉकलेट में डिप कर देते, इतना गंदा होता है वो. अल्लाह मैं खाई तो उल्टी आ गई. ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं. लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स कल के ब्लॉग में हम वो नहीं जो कहानी अपनी सुनाता रहता है बॉय, कहानी सुनो वाला, क्या नाम है उसका, कैफी खलील. उसका यहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है कल डैलस के अंदर ही. तो उसकी मैंने टिकट्स ले ली हैं. तो कल का बॉयज एंड गर्ल्स सीन थोड़ा ऑन है. अब मुझे नहीं पता कि वो मतलब कि यहाँ पे कितना माहौल लगाएगा, कहानी किस तरह सुनाएगा. ऐसा का लिटिल डिनर और साथ गाना गा रहा होगा. एक इवेंट में है तो काफी लोग आएंगे. इंटरव्यू उसके सुनने के लिए थोड़ी जा रहे हैं हम. एक गाना उसने बना लिया, अब उसके इंटरव्यू सुनेंगे हम बैठ गए. विल सी यार, कल देखेंगे कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बॉयज एंड गर्ल्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. आई वुड रियली अप्रिशिएट इट. और फिर इंशाल्लाह आपको कल के ब्लॉग में मिलेंगे. Come here, girl. Go,